दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट और मच अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज, जिसका कि हम सभी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यशराज बैनर के तले बनने वाली दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जो कि एक हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। और ये फिल्म भारत के हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनाई जा रही फिल्म है। इस फिल्म से जुड़ी दोस्तों कुछ अपडेट्स निकल कर आई है, जो कि इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर है, इस फिल्म के टीजर को लेकर है और साथ ही में इस फिल्म के नाम को लेकर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के डाहाट फैंस हैं और हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रप्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बनने वाली एक मच अवेटेड हिस्टोरिकल फिल्म है पृथ्वीराज, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, संजय दत्त, मनोज जोशी और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं। यशराज और अक्षय कुमार सर पहली बार किसी बड़ी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं और इस बार दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए रखा गया है। इस फिल्म में दोस्तों आपको पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में सुपरस्टार अक्षय कुमार नजर आएंगे, जो कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बना रहे हैं। ये फिल्म विजुअल्स के मामले में, एक्शन के मामले में और स्टोरी के मामले में अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म साबित होने वाली है और इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी न्यूज ये निकल कर आई है कि करणी सेना, जो कि राजपूतों के सम्मान के लिए हमेशा आगे आती है, वो इस बार दोस्तों पृथ्वीराज मूवी के सेट पर पहुंचे थे और उन लोगों ने दोस्तों इस फिल्म का टाइटल चेंज करने को कहा है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के एक ऐसे वीर सम्राट थे जिनका नाम सुनकर दुश्मनों की पैंट गिली हो जाती थी। और यही वजह है दोस्तों कि अब करणी सेना चाहती है कि इस फिल्म का नाम चेंज करके या तो वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान रख दिया जाए या फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान रख दिया जाए। ऐसे में दोस्तों अब इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म का नाम चेंज करने की सोच रहे हैं। वही दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी दूसरी न्यूज ये है कि इस फिल्म की अभी भी कुछ सीन की शूटिंग बाकी है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म की जो रिलीज डेट है, यानी कि दिवाली 2021, उसमें एक बार फिर से चेंज आ सकता है और ये फिल्म 2021 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि सुपरस्टार अक्षय कुमार के आने वाले बर्थडे पर इस फिल्म का एक धमाकेदार टीजर आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या कमाल कर सकती है और क्या सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।